हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बी प्रसाद है। मीट विथ मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। पावर सीरीज सॉल्यूशन में इससे पहले बेसेल्स फंक्शन बताए थे और उसका सेकंड काइंड बताए थे। आज हम पावर सीरीज सॉल्यूशन का ही है लेजेंडर पॉलिनोमियल्स बताने जा रहे हैं, जो इसका पर्टिकुलरली यूज करते हैं हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में। स्फीयर के संदर्भ में इसका यूज़ करते हैं। इसका ये लेजेंडर इक्वेशन क्या है? 1 - x² t2y / dx² - 2x dy / dx + n × n + 1 × y, इसको लेजेंडर इक्वेशन बोलेंगे, वेयर n इज ए रियल नंबर। और ये मोस्ट एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n को निकालने में। आइए देखते हैं क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको समझने की कोशिश करेंगे, और इम्पोर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये आने का चांस भी है। डिराइव द लेजेंडर इक्वेशन, इसमें केवल डिराइव करने के लिए पूछेगा। डिराइव द लेजेंडर इक्वेशन, तब उसमें हमको ये लेजेंडर इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको याद करना जरूरी है। 1 - x² d2y / dx² - 2x dy / dx + n × n + 1 × y = 0, ये याद रखना जरूरी है। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। दो तरीके से पूछता है क्वेश्चन, डिराइव द लेजेंडर इक्वेशन और सॉल्व द लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। 1 - x² d2y / dx² - 2x dy / dx + n × n + 1 × y = 0, तो ये दिया हुआ रहेगा इक्वेशन तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा डिराइव द लेजेंडर इक्वेशन, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। आप सॉल्यूशन पाइए, बनाने जा रहे हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि किताब में जो लिखा हुआ रहता है, किताब तो मूक है, गूंगा बहरा रहता है, उसको कोई अनुभवी टीचर ही उसको बोल करके उसमें प्राण फूंकते हैं, जान देते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। द लेजेंडर इक्वेशन, द लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 - x² d2y / dx² - 2x dy / dx + n × n + 1 × y = 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। इट कैन बी रिटन एज, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज d/dx, ये लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, d/dx d2y d/dx, इसको करेंगे 1 - x² dy / dx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना तक आ जाएगा dy/dx। 1 - x² को कांस्टेंट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx² आ जाएगा, और फिर माइनस हो जाएगा 2x, इसका डिफरेंशिएट करेंगे और (dy/dx), इसके बदले में इतना लिख सकते हैं +n × n + 1 × y = 0। लेट द सीरीज इन डिसेंडिंग पावर ऑफ x इज, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरीके से बन सकता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर ऑफ x के दोनों तरीके से बन सकता है, लेकिन डिसेंडिंग पावर ऑफ x ज़्यादा ठीक है, अप्रोप्रिएट है। इज y = a0x^m + a1x^m-1 + a2x^m-1
टू प्लस ए थ्री एक्स टू द पावर एम माइनस थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन टू कर देते हैं। और इसी को हम लिख सकते हैं जैसे पहले बनाते थे उसी तरह से, और वाई इज कस टू सिग्मा इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, आर इज कस टू जीरो टू इनफाइनाइट ए आर, यानी जीरो वन टू थ्री डॉट 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 आर टर्म्स तक जाएगा ए आर। एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एम माइनस जीरो एम माइनस वन एम माइनस टू एम माइनस थ्री क्या जाएगा, एम माइनस आर तक जाएगा। देन डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट आप करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू सिग्मा आर इजिकल्स टू जीरो ए आर कॉन्स्टेंट है, और इसका क्या हो जाएगा एम माइनस आर डी एक्स एन के फॉर्मूला पर ये टूटेगा, जैसे पहले भी तोड़ चुके हैं, एक्स टू पावर क्या हो जाएगा डी एक्स एन होता है एन इंटू एक्स एन डी एक्स एन बाई डी एक्स होता है एन इंटू एक्स एन माइनस वन, यानी एम माइनस आर एन लिखा गया एम माइनस आर माइनस वन। अब आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका डबल डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा हमारा ये जीरो टू इन्फाइनाइट आर इसका टू जीरो टू इन्फाइनाइट, ये जीरो टू इन्फाइनाइट और ये ए आर ज्यों कहते हो एम माइनस आर ज्यों कहते हो, ये आ जाएगा एन के बदले में ये लिखाएगा एम माइनस आर माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस वन करेंगे तो एम माइनस आर माइनस टू हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y dy by dx d2y by dx square in equation first, in equation first we get क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो कैसे, ये इक्वेशन फर्स्ट है वन माइनस एक्स स्क्वायर है वन माइनस एक्स स्क्वायर ज्यों को त्यों रखेंगे, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बदले में लिखेंगे सिग्मा इनफाइनाइट आर इसका टू जीरो ए आर एम माइनस आर माइनस वन एक्स टू द पावर एम माइनस आर माइनस टू। अब आइए माइनस टू एक्स है तो टू एक्स लिख देंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स के बदले में लिखेंगे सिग्मा इनफाइनाइट आर इजकस टू जीरो एम माइनस आर इंटू एक्स टू द पावर एम माइनस आर माइनस वन, फिर है प्लस एन इंटू एन प्लस वन, और वाई के जगह पर क्या लिखेंगे वाई के जगह पर सिग्मा इनफाइनाइट आर इज कस टू जीरो ए आर एक्स टू द पावर एम माइनस आर इज इक्वल्स टू क्या लिखें जीरो, क्लियर है। अब आगे हम बढ़ते हैं, अब इसको हम क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, पहले वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यों के त्यों वो इतना ही आएगा, इतना ही आएगा, वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दिस इम्प्लाई दैट वन से मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा इनफाइनाइट आर इजकस टू जीरो ए आर एम माइनस आर एम माइनस आर माइनस वन दोनों आएगा इंटू क्या है एक्स टू द पावर एम माइनस आर माइनस टू, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, फिर आ जाएगा हमारा माइनस और एक्स बेस सेम है, ये दोनों एक्स स्क्वायर यहाँ ये बेस सेम है एक्स एक्स दोनों बेस सेम है तो बेस सेम है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो क्या बेस सेम है तो प्लस यहाँ माइनस टू और यहाँ प्लस टू है तो दोनों कट जाएगा
जुटेगा, बेस सेम रहता है तो क्या होता है पावर में ऐड करते हैं, तो m माइनस आर माइनस टू प्लस टू, तो माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा m माइनस आर। तो ये लिख इसको लिखेंगे माइनस सिग्मा इनफाइनाइट r इसका टू जीरो ए आर एम माइनस आर एम माइनस आर माइनस वन एक्स टू दी पावर क्या आ जाएगा हमको एम माइनस आर आ जाएगा, टू टू कैंसिल हो गया, ये तो केवल एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए सब जो क्यों आया। फिर माइनस माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर टू एक्स, अब इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस टू तो रहेगा ही, माइनस टू सिग्मा इनफाइनाइट आर इसका टू जीरो एम माइनस आर तो रहेगा ही, यहाँ ए आर छोटा हुआ है ए आर, यहाँ ए आर होगा, क्लियर है, यहाँ ए आर, ए आर डी वाई बाई डी एक्स का होता है ए आर एम माइनस आर एक्स टू पावर इतना छोटा हुआ था, ठीक है। ए आर लिखेंगे पहले, ए आर लिखिए ए आर, और एम माइनस आर टू तो रख दिए बल साइड में रखा हुआ है टू, तो ठीक है एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है, पावर क्या है वन है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा एक्स टू पावर एम माइनस आर माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा एम माइनस आर ही बचेगा, एम माइनस आर इन टू एक्स टू दी पावर क्या बचेगा एम माइनस आर बचेगा, वन वन कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस एन इन टू एन प्लस वन सिग्मा इनफाइनाइट आर इसका टू जीरो ए आर एक्स टू द पावर एम प्लस एम माइनस आर एक्स टू द पावर एम माइनस आर इसका टू जीरो। अब सबको हम इक्वेट करेंगे, इक्वेट करेंगे सबको कॉमन लेंगे, कहाँ कहाँ कॉमन है ये इसमें तो कॉमन है ही नहीं, तो एम माइनस आर एक्स टू द पावर एम माइनस आर किस में है, यहाँ है एक्स टू द पावर एम माइनस आर, यहाँ है एक्स टू द पावर एम माइनस आर, यहाँ है एक्स टू द पावर एम माइनस आर, हम कॉमन ले लेंगे क्या क्या चीज़ कॉमन है, सिग्मा इनफाइनाइट आर इसका टू जीरो टू इनफाइनाइट ए आर, ए आर सब में है, ए आर सब में है कॉमन है, तो और क्या चीज़ कॉमन है केवल एक्स टू द पावर एम माइनस आर, इतना हम कॉमन ले लेंगे इसमें से, ये अकेला रहेगा, क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं तो उसका क्या आया, सिग्मा इनफाइनाइट आर इसका टू जीरो टू इनफाइनाइट ए आर एम माइनस आर एम माइनस आर माइनस वन एक्स टू पावर एम माइनस आर माइनस टू, ये तो इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन क्या है ए आर एक्स टू पावर एम माइनस आर सिग्मा इनफाइनाइट आर इसका टू जीरो टू इनफाइनाइट, तो कौन कौन कॉमन आया था हमको, इससे कॉमन आया था इसमें कि ये पहले तो हम इसको लिख लिए एन इंटू एन प्लस वन, और ये सिग्मा ए आर एक्स टू पावर एम माइनस आर कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा एन इंटू एन प्लस वन एन इंटू एन प्लस वन, ये बचेगा इसका कोफिशियंट है, ये टोटल कॉमन आ गया है, तो इसमें भी टोट क्या कॉमन आया तो ये बचेगा सिग्मा ए आर आर ये एक्स टू पावर एम माइनस आर, तो यहाँ बचेगा टू इंटू एम माइनस आर, और यहाँ बचेगा एम माइनस आर एम एम माइनस आर माइनस वन, यही चीज़ इधर लिखे हैं, यही चीज़ इधर लिखाया है, तो ये कॉमन लेकर के इतना कॉमन आया है, ये कॉमन आया है, ये कॉमन निकाले हैं सब में से, तो ये एन इंटू एन प्लस वन पहले आएगा, प्लस है इसलिए प्लस इधर रख लिया, माइनस एम आर कॉमन आएगा इसका कोफिशियंट है, और माइनस माइनस था ये, और इसका कोफिशियंट क्या है एम माइनस आर इंटू एम माइनस आर माइनस वन माइनस में था, आइए माइनस टू इंटू एम माइनस आर कॉमन आएगा लास्ट वाला, टू इंटू सेकेंड सीरीज का ये था और लास्ट सीरीज का ये है, थर्ड सीरीज का ये इस तरह से है। तो अब इसको हम कॉमन ले लिए हैं, अब आइए देखते हैं, दिस इम्प्लाई डेट सिग्मा इनफाइनाइट आर इसका टू जीरो ए आर एम माइनस आर इंटू एम माइनस आर माइनस वन एक्स टू द पावर एम माइनस आर माइनस टू प्लस सिग्मा इनफाइनाइट आर इसका टू जीरो ए आर एक्स टू द पावर एम माइनस आर। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे इसको इसमें और इसमें, ये इनटू है यहाँ पर,
एम माइनस आर इन टू दिस मच, यहाँ एम माइनस आर है तो कॉमन ले लेंगे तो हम क्या बचेगा इसमें, यहाँ इधर लिखते हैं ये एन इंटू एन प्लस वन माइनस, माइनस कॉमन क्या लेंगे, इसमें से कॉमन हम लेने जा रहे हैं एम माइनस आर, एम माइनस आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एम माइनस आर माइनस वन माइनस टू, यह बचा इसका टू जीरो। एम माइनस आर हम बाहर निकाल लिए इसमें से, तो m माइनस आर बाहर निकालेंगे तो m माइनस आर माइनस वन, और ये बचा बाहर में माइनस टू नहीं, यहाँ बचेगा क्या चीज़, प्लस टू बचेगा, प्लस टू माइनस बाहर कॉमन ले लिए थे इसलिए बचेगा यहाँ माइनस टू, माइनस बाहर ले लिए थे यहाँ प्लस टू बचेगा, m माइनस आर कॉमन लिए दोनों में, तो इतना बचा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, दिस इज दिस इम्प्लाई डेट सिग्मा इन्फाइनेट आर इसका टू जीरो ए आर एम माइनस आर इंटू एम माइनस आर माइनस वन एक्स टू द पावर एम माइनस आर माइनस टू प्लस सिग्मा इन्फाइनेट आर इसका टू जीरो ए आर एक्स टू द पावर एम माइनस आर, एम माइनस आर इंटू इंटू क्या होगा एन स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एम माइनस आर आ इंटू ये क्या हो जाएगा माइनस वन आ प्लस वन, क्या हो जाएगा एम माइनस आर, क्लियर है, एम माइनस वन आ प्लस वन क्या हो जाएगा एम माइनस आर, यानी एम माइनस आर का एम माइनस आर प्लस वन, टू में से एक सबट्रैक्ट करेंगे तो प्लस वन बचेगा, प्लस वन ये यहाँ एम माइनस आर माइनस वन और प्लस टू, इसको ब्रैकेट नहीं भी दे सकते थे, प्लस टू यहाँ 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 हटा करके ब्रैकेट यहाँ कर दीजिए, यहाँ हटा करके ब्रैकेट यहाँ कर देते हैं, है ना, तो यानी माइनस वन माइनस वन प्लस टू, तो दो में से एक घटेगा तो इतना बचेगा ये प्लस वन, ये बचा दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो। एम माइनस आर माइनस वन प्लस टू तो क्या हो जाएगा एम माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर दिस इम्प्लाई डेट, अब इसको हम इक्वेट करते हैं, इक्वेट करेंगे कि इक्वेटेड टू जीरो लिखेंगे, इक्वेटेड टू जीरो द कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर एम एट आर इजकल्स टू जीरो, आर अगर जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा पावर एक्स टू द पावर एम यहाँ हो जाएगा, तो उसको हम इक्वेट करते हैं जीरो से, वी हैव एक्स टू द पावर एम एट आर इजकल्स टू जीरो द कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर एम जीरो, वी हैव एक्स टू द पावर आर टू दी एक्स टू पावर एम आर जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एम एक्स टू पावर एम ए जीरो हो जाएगा ये, और ये एम हो जाएगा एम प्लस वन हो जाएगा, है ना, एन स्क्वायर प्लस एन ये इन टू रहेगा तो क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाई डेट ए जीरो, आर जीरो हम पुट करेंगे तो ए जीरो हो जाएगा, यहाँ आर जीरो पुट करेंगे तो एक्स टू पावर एम, एक्स टू दी पावर एम हो जाएगा कोफिशियंट, तो इसका कोफिशियंट इतना ही है, ये पूरा कोफिशियंट है एन स्क्वायर प्लस एन, ये कोफिशियंट है किसका एक्स टू द पावर एम का, आर अगर जीरो करेंगे तब आर जीरो करेंगे इक्वेटेड टू जीरो द कोफिशियंट ऑफ एक्स टू पावर एम एट आर इसका टू जीरो, आर जीरो पर एक्स टू पावर एम का कोफिशियंट हम इसका इक्वेट करते हैं जीरो से, तो कितना आएगा हमको ए जीरो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एम, ये हो जाएगा एम जीरो हो जाएगा एम, और ये हो जाएगा एम प्लस वन इसका टू जीरो,
ए जीरो कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये ए जीरो इक्वल नहीं होगा, तो क्या बचेगा हमारा, और एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इसको एम स्क्वायर करेंगे तो इधर का माइनस एम स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस ये जीरो निकल गया यहाँ पर, ए जीरो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एम इंटू एम प्लस वन आर जीरो पर इतना आया, ए जीरो कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो क्या बचेगा ये एन स्क्वायर, आई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एन माइनस वन, यहाँ प्लस एन ये रखेंगे और यह माइनस एम, एम से मल्टीप्लाई होगा तो एम स्क्वायर माइनस एम हो जाएगा इजिकल्स टू जीरो। एन माइनस एम क्या होता है, एन माइनस एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर एन ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, एन प्लस एम प्लस एन माइनस एम इजिकल्स टू जीरो, और एन माइनस एम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, एन माइनस एम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एन माइनस एम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा एन प्लस एम प्लस वन इजिकल्स टू जीरो, तो यही चीज़ बचेगा क्या चीज़ हमको, और देयर फोर आइदर आइदर एन माइनस एम इजिकल्स टू जीरो देयर फोर एम इजिकल्स टू एन, और एम प्लस एन प्लस वन इजकल्स टू जीरो देयर फोर एम इजकल्स टू माइनस एन माइनस वन बचेगा, दो वैल्यू आया हमको एन का, देयर फोर एन इजकल्स टू देयर फोर एम इजकल्स टू कितना आया एन आया एक आया माइनस एन माइनस वन आया, दो वैल्यू आया हमको, ये दो वैल्यू आया, क्लियर है। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे आगे जो है इक्वेट करेंगे, फिर हम दो वैल्यू आ गया एन एम और एन का, नाउ इक्वेटेड टू जीरो, नाउ इक्वेटेड टू जीरो ऑफ एक्स टू द पावर एम माइनस वन एट आर इजकल्स टू वन, we have r का वैल्यू अगर वन पुट करते हैं तो हमको a1, हमको a0 a1 का वैल्यू निकालना है, अब a1 का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, फिर इसी में आगे में हम पुट करेंगे, इसी में हम पुट करते हैं m माइनस वन एक्स टू पावर एम माइनस वन आर इसका वन पुट करेंगे तो यहाँ m माइनस वन हो जाएगा कॉफिशियंट इसका, तो क्या हो जाएगा इसका, फिर यहाँ पर r m माइनस वन और यहाँ माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो m बचेगा, तो हम इसको निकालते हैं a1 a1 इसी से निकला, इसी से हमको निकला है, किससे निकला, इसी से निकला है a x टू पावर m निकला r इसका सो जीरो पुट करने पर, फिर क्योंकि हमको सिमिलरिटी में लाना है, इसके वैल्यू के बराबर लाना है, इसके वैल्यू के बराबर ला करके सीरीज में लाना है, इसलिए a जीरो पुट किए a वन पुट करेंगे फिर a टू पुट करेंगे, इस तरह से r के जगह पर हम पुट करते चले जाएंगे, तो पुट करने से हमको सीरीज मिल जाएगा, तो जीरो से लेकर के वन टू तक सिमिलरिटी के कारण, सिमिलर लाने के लिए एक्स टू पावर एम माइनस आर माइनस टू लाने के लिए ये सब स्टार्ट से ही शुरू करेगा तब आएगा वो आगे बढ़ेगा, तो ए वन क्या होगा ए वन इन टू कॉफिशेंट क्या होगा एम एक्स टू पावर एम माइनस वन, वन पुट के तो ए वन आ गया, अब यहाँ पर वन पुट करेंगे एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एम इंटू एम माइनस वन आएगा, क्यों एम इसमें वन पुट करेंगे एम माइनस वन ये रहेगा, यहाँ वन पुट करेंगे आर के जगह पर तो माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एम यहाँ बचा और ये एम माइनस वन हुआ, दिस इज इक्वल टू जीरो, और ए वन एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इसको माइनस एम स्क्वायर रख लीजिए, अब प्लस एन अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एम इजकल्स टू जीरो, फिर उसी तरह से ए वन इजकल्स टू ए वन इंटू एन माइनस एम इंटू एन प्लस
एम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आ गया प्लस एन प्लस एम इसका टू जीरो। देयर फोर क्या, फिर एक बार और निकाल लेते हैं इसको, ए वन इजकल्स टू कॉमन ले लीजिए, एन प्लस एम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, एन माइनस एम, एन माइनस एम प्लस वन, ये बचा, दिस इजकल्स टू जीरो। देयर फोर ए वन इजकल्स टू जीरो एंड एन प्लस एम इंटू एन माइनस एम प्लस वन इजकल्स टू जीरो, कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होगा, ए वन जीरो हो जाएगा, सिंस एम इजकल्स टू एन एन माइनस एन प्लस वन, यही निकला था दो वैल्यू, इस कारण से ये जीरो नहीं हो सकता है। फॉर रेकरेंस रिलेशन, अब रेकरेंस फार्मूला निकालना होगा, फॉर रेकरेंस रिलेशन, फॉर रेकरेंस रिलेशन द कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर एम माइनस आर माइनस टू equated to zero put r plus 2 in place of r in x to the power m minus r, इसमें r का जगह पर हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x to the power m minus r minus 2 we have coefficient है ना, second second ये सीरीज में coefficient है, पहला सीरीज में तो था x to the power m minus r minus 2 था, तो इसको सीरीज में लाने के लिए, इसको एक सीरीज में लाने के लिए तो आर के जगह पर हम पुट करते हैं क्या, आर प्लस टू, तो आर प्लस टू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आर माइनस टू, तो एक सिमिलरिटी आ जाएगा, तो उसमें पुट करने के बाद हमारा वैल्यू क्या आएगा, हमको उसमें आर के जगह पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला वैल्यू तो इतना है, इसका कोफिशियंट इतना एम माइनस आर, एम माइनस आर माइनस वन था पहला का, ए आर इतना है वैल्यू, प्लस आर पल आर के जगह पर आर प्लस टू पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए आर के जगह पर ए आर प्लस टू हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन माइनस, माइनस क्या, आर के जगह पर आर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर एम माइनस आर था तो क्या हो जाएगा, एम माइनस आर माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एम माइनस आर माइनस वन इजकल्स टू जीरो, क्लियर है, जहाँ जहाँ आर था वहाँ आर प्लस टू पुट किए हैं, तो आर प्लस टू पुट करने से यहाँ एम माइनस आर था तो एम माइनस आर माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ एम माइनस आर और प्लस वन था तो क्या हो जाएगा, एम माइनस आर माइनस वन हो जाएगा, उसमें उसमें प्लस वन इसमें था m माइनस ए आर का, शुरू में हम लाए थे यहाँ पर क्या, ये एन स्क्वायर एम माइनस आर माइनस ए आर का जगह पर हम क्या पुट करेंगे, r माइनस टू, तो क्या हो जाएगा m माइनस आर माइनस, यहाँ तो हो जाएगा m माइनस आर माइनस टू लिखाया m माइनस आर का जगह पर, और यहाँ जगह पर m माइनस आ, यहाँ क्या लिखाएगा r माइनस माइनस आर माइनस टू और प्लस वन है, तो क्या एक घटेगा तो क्या माइनस वन हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अब आइए m, दिस इम्प्लाई दैट m माइनस आर, एम माइनस आर माइनस वन ए आर प्लस
प्लस ए आर प्लस टू। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, ये हम माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ माइनस कॉमन ले करके इसको लिख देते हैं एम माइनस आर माइनस वन। आप माइनस वन इसको लिख सकते हैं, इसको इसके एम माइनस आर माइनस टू के बदले में क्या लिखेंगे, एम माइनस आर माइनस वन माइनस वन, दो बार लिखते हैं। और इसको इस तरह से कर दीजिए, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, ये क्लियर है। और यहाँ हो जाएगा इनटू एम माइनस आर माइनस वन, और ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस रहेगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो एन स्क्वायर माइनस एन इसका टू जीरो। माइनस हम बाहर निकाल लिए हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में माइनस एन स्क्वायर माइनस एन, क्लियर है। अब आगे इसको हम ब्रेक करेंगे, दिस इम्प्लाई डैट एम माइनस आर इंटू एम माइनस आर माइनस वन ए आर प्लस ए आर प्लस टू, ये हो जाएगा, इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या हो जाएगा, माइनस एम माइनस आर माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, ये माइनस ये एन स्क्वायर कर देते हैं, ये माइनस एन स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू माइनस, ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम माइनस आर माइनस वन ये होगा। अब माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इसका टू जीरो, क्लियर है। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसको इसी को फिर इस तरह से लिखा जा सकता है एम माइनस आर इंटू एम माइनस आर माइनस वन इंटू ए आर प्लस ए आर प्लस टू इंटू, इसको माइनस को पहले बाहर निकाल देते हैं, माइनस कर दीजिए बाहर, तो ये निकल गया एम माइनस आर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। आइए माइनस इसको इधर कर लेते हैं, अब माइनस एम माइनस आर माइनस वन, अब माइनस बाहर निकाल लिए तो प्लस एन, ये प्लस हो जाएगा, इसको इधर कर लिए हैं एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, आइए इसको इधर कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले करके इसमें ये आ जाएगा, आइए प्लस हो जाएगा। फैक्टर में लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, फैक्टर में लाएंगे तो आसान हो जाएगा आगे बनाना, क्लियर है। अब आइए इसको, दिस इम्प्लाई डैट एम माइनस आर इंटू एम माइनस आर माइनस वन ए आर इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाते हैं, इज इक्वल्स टू ए आर प्लस टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर ये पुट बैठेगा, ए स्क्वायर ये टू है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर ये इसको हम ये ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा एम माइनस आर माइनस वन प्लस एन इंटू एम माइनस आर माइनस वन माइनस एन माइनस एम माइनस आर माइनस वन प्लस एन, बंद करते हैं ब्रैकेट, इसकल्स टू जीरो हो गया ये। अब इसमें से कॉमन आएगा, कौन कौन कॉमन आएगा, ये कॉमन, दोनों कॉमन आएगा, ये और ये कॉमन आएगा, दिस इम्प्लाई डैट एम माइनस आर इंटू एम माइनस आर माइनस वन ए आर इज इक्वल्स टू ए आर प्लस टू, अब ये कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, एम माइनस आर माइनस वन प्लस एन, एंड ये बचेगा हमको एम माइनस आर माइनस वन माइनस एन, एम माइनस आर माइनस वन ये कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस वन, एम माइनस आर
माइनस वन और माइनस एन, यहाँ हो जाएगा एम माइनस आर प्लस एन, तो ये कॉमन एम माइनस आर एन माइनस वन, एम माइनस आर प्लस एन माइनस वन, ठीक तो है। और ये एम माइनस आर अब माइनस एन माइनस वन, ये माइनस वन बचेगा इसके जगह पर, क्लियर है। अब दिस इज कस्ट टू जीरो कर दीजिए। देयर फोर ए आर प्लस टू इज कस्ट टू क्या बचेगा, ये ऊपर में रहेगा एम माइनस आर इंटू एम माइनस आर माइनस वन इंटू ए आर बाय, ये नीचे चलाएगा ए आर प्लस टू का कॉफिशियंट क्या है, नीचे आएगा एम माइनस आर प्लस एन माइनस वन इंटू एम माइनस आर माइनस एन माइनस टू, ये आएगा नीचे, ये बचेगा माइनस माइनस टू हो गया ये। अब आइए देखते हैं इक्वेशन थर्ड कर देते हैं इसको। सिंस ए वन इज इक्वल टू जीरो, ए थ्री इज इक्वल टू जीरो, ए वन जीरो है तो ए थ्री भी जीरो आएगा, इज इक्वल टू ए फाइव इज इक्वल टू जीरो। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या होगा, ये व्हेन एम इज इक्वल टू एन, व्हेन एम इज इक्वल टू एन, एम एन के बराबर होगा तो क्या होगा ए आर प्लस टू रेकरेंस रिलेशन से, व्हिच इज रिक्वायर्ड, ये व्हिच इज रेकरेंस रिलेशन, इसको यहाँ लिख देते हैं व्हिच इज रिलेशन, ये रेकरेंस रिलेशन कहलाएगा ये पूरा। ये क्वेश्चन थर्ड है, अब इसको हम पुट करेंगे व्हेन एम इज इक्वल टू एन, एम एन के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए आर प्लस टू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए आर प्लस टू एन माइनस आर एन माइनस आर, एम की जगह पर एन माइनस आर माइनस वन, एन माइनस आर माइनस वन बाय, ये हो जाएगा एन एन कितना टू एन, टू एन एम की जगह पर एन देंगे तो एन एन क्या हो जाएगा टू एन माइनस आर माइनस वन, और ये हो जाएगा इधर एन कट एन एन कैंसिल हो जाएगा तो इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यह एन रखेंगे तो एन आर माइनस एन, प्लस एन और माइनस एन कैंसिल हो जाएगा तो माइनस आर माइनस टू बचेगा, इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन बाय टू एन माइनस आर माइनस वन, यह हो जाएगा आर प्लस टू, माइनस निकाल लिए बाहर तो ये बचेगा इतना। अब आते हैं एट आर इक्वल्स टू, आप पुट करते जाइए एट आर इक्वल्स टू, आर इक्वल्स टू जीरो पुट, आर इक्वल्स टू जीरो पुट करने पर क्या मिलेगा हमको, आर इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ क्या जाएगा ए टू मिलेगा, आर इक्वल्स टू जीरो तो ए टू मिलेगा, जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ दीजिए आर, तो यहाँ एन इंटू एन माइनस वन माइनस रहेगा ही, अब बाय टू टू एन माइनस वन इंटू जीरो हो जाएगा इंटू टू, क्लियर है। ए फोर फिर आर इक्वल्स टू टू रखेंगे तो, क्योंकि वन रखने पर थ्री आएगा तो क्योंकि जीरो हो जाएगा इसलिए टू रखेंगे तो ए फोर, ए फोर का टू तो टू रहेगा क्या आर का जगह पर एन माइनस टू, माइनस एन माइनस टू इंटू एन माइनस टू, और ये रहेगा एन माइनस थ्री एन माइनस टू, यहाँ तो ये हो जाएगा ए आर इंटू ए आर है यहाँ पर, यहाँ भी ए आर रहेगा रेफरेंस रिलेशन में ए आर है तो ए आर यहाँ रहेगा, और यहाँ ए आर का क्या बचेगा यहाँ पर
टू पुट किए हैं आर का जगह पर, तो जीरो पुट किए तो ए जीरो आया, ए टू का वैल्यू आया इतना ए जीरो। तो ए फोर कितना, आर इसका टू पुट करते तो ए फोर आएगा, और यहाँ एन माइनस टू, माइनस एन माइनस टू और एन माइनस थ्री, टू माइनस वन, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, यहाँ आ जाएगा ए टू बाय टू एन माइनस टू माइनस वन, टू एन माइनस थ्री, और यहाँ आर का जगह पर टू रहेगा, टू टू इंटू फोर। देयरफोर ए टू के जगह पर ये पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए फोर इजकल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या यहाँ लिखेंगे हम एन इंटू एन माइनस वन, ए जीरो में कन्वर्ट करेंगे इसको ए टू को, तो ए जीरो में ए वन में लाना रहता है, तो इसलिए ए जीरो का यहाँ ए टू पुट करेंगे वैल्यू, ए टू को वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ ए वैल्यू सारा उतर जाएगा, ये वैल्यू पूरा रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री बाय बाय कितना रहेगा, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस थ्री इंटू टू इंटू फोर और ए जीरो डॉट डॉट कर एंड सो ऑन। उसी तरह से ए सिक्स निकलेगा, देयरफोर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द सीरीज इज क्या आ जाएगा, वाई वन, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वाई वन, ए जीरो एक्स एन माइनस एन इंटू एन माइनस वन बाय टू एन माइनस वन इंटू टू एक्स एन माइनस टू प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री बाय टू एन माइनस वन टू एन माइनस थ्री इंटू टू इंटू फोर एक्स टू द पावर एन माइनस फोर प्लस डॉट डॉट डॉट, माइनस होगा एक प्लस एक माइनस एक प्लस, इस तरह से आएगा। अब आते हैं केस सेकेंड पर, केस सेकेंड when m is equals to minus n plus 1, तो ar plus 2 क्या हो जाएगा, ar plus 2 is equals to n plus r plus 1 minus n plus 1 put करेंगे किसके जगह पर, m के जगह पर, तो इतना आएगा n plus r plus 1 और n plus r plus 2 बाय आर प्लस टू, टू एन प्लस आर प्लस थ्री, इसमें पुट करने पर आएगा एन के जगह, एम के जगह पर क्या पुट करेंगे हम, यहाँ पुट करेंगे एम के जगह पर क्या पुट करेंगे, माइनस एन माइनस एन माइनस एन माइनस वन माइनस आर, ये हो एन एन माइनस एन माइनस एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन, माइनस टू हो जाएगा ये, इसको भी पुट करेंगे एम के जगह पर, एम के जगह पर क्या पुट करेंगे माइनस एन, तब हमको ये आएगा ए आर प्लस टू, इतना आएगा टू एन प्लस आर प्लस थ्री, ये हो जाएगा ए आर, क्लियर है। अब आइए एट आर इजकल्स टू जीरो, एट आर इजकल्स टू जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमको ए टू, ए टू इज कस टू एट आर इज कस टू जीरो पुट करेंगे तो ए टू आएगा, ए टू क्योंकि ए वन ए थ्री ए फाइव जीरो है, इसलिए ए टू इज कस टू क्या हो जाएगा, आर के जगह पर जीरो पुट करते तो एन प्लस वन एन प्लस टू बाय टू इंटू टू एन प्लस थ्री ए जीरो, फिर आर इज कस टू टू पुट करेंगे, आर इज कस टू टू ए फोर हो जाएगा क्या
ए फोर इजकल्स टू हो जाएगा आर इजकल्स टू टू, ए फोर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ क्या हो जाएगा एन प्लस थ्री आर इजकल्स टू टू पुट कर टू वन थ्री एन प्लस फोर और ए टू बाय फोर टू एन, टू एन प्लस फाइव और ये टू एन टू पुट करेंगे टू एन प्लस फाइव आइए हो जाएगा फोर इंटू फोर दिस इज इक्वल टू ए टू की जगह पर फिर पुट करेंगे हम ये देयर फोर, देयर फोर ए फोर इजकल्स टू क्या हो जाएगा एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस ये थ्री एन प्लस फोर बाय बाय टू एन प्लस थ्री इंटू टू एन प्लस फाइव इंटू टू इंटू फोर ये हो जाएगा ए जीरो एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब आते हैं, अब इसको हम देयर फोर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, देयर फोर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज इज वाई टू हो जाएगा ये y2 टू इजकल्स टू ए जीरो एक्स टू द पावर माइनस एन माइनस वन प्लस प्लस एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाय टू इंटू टू एन प्लस थ्री ए जीरो तो बाहर निकाल लिए x टू द पावर माइनस एन एम की जगह पर माइनस एन माइनस थ्री प्लस एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री एन प्लस फोर बाय टू एन प्लस थ्री टू एन प्लस फाइव इंटू टू इंटू फोर एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा इंटू एक्स टू द पावर इंटू एक्स टू द पावर माइनस एन माइनस फाइव प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यही कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, यही इतना ही निकला वाई वन और वाई टू दोनों का सॉल्यूशन, एक वाई वन निकला एक निकला y2, hence the required solution of the Legendre's equation। तो ठीक है आज के लिए इतना ही, उसके बाद बताएंगे रॉड्रिक फार्मूला जो बहुत इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और सब्सक्राइब करते रहेंगे शेयर करते रहेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे और खूब मैथमेटिक्स बनाएंगे, मस्त रहें खुश रहें आनंद रहें। थैंक यू।